मानसून के दौरान हल्द्वानी जिले के अन्य इलाकों में होने वाले जल भराव को लेकर डीएम नैनीताल ने सख्त रुख अपनाया है। वहीं मौसम विभाग ने जारी किए गए रेड और ऑरेंज अलर्ट को लेकर जिलाधिकारी ने जल भराव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलवटों, नालों की स्थिति और इन पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित की है। माना जा रहा है कि अतिक्रमण के कारण जल भराव से कलवटों, नालों से सुचारू रूप से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे जिले के कई इलाकों में जल भराव हो रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, कहीं ना कहीं जो जल भराव की स्थिति है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये भी चेक करवाना है कि कहाँ अतिक्रमण हुआ है, किन लोगों ने अतिक्रमण किया है। इसका स्थायी समाधान तभी हो सकता है जबकि हम अतिक्रमणों को चिन्हित करें और उसकी सफाई करें, और जिन जिन जगहों पे नाले की सफाई करनी है वहाँ करवाएं, और जिन जगहों पर अतिक्रमण हटना वो